जी न्यूज को लगी कोर्ट से फटकार, गलत रिपोर्टिंग का हुआ पर्दाफाश। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जी न्यूज पर प्रसारित एक कार्यक्रम में कानून के उल्लंघन की बात कही है। आपको बता दें कि MBDSA, जिसे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नाम से जाना जाता था, उसने अपने फैसले में पाया कि जी न्यूज ने अपने 3 वीडियोस में किसानों के प्रदर्शन को खालिस्तानी बताकर गलत रिपोर्टिंग को दर्शाया है। इतना ही NBDSA ने पाया कि जी न्यूज ने लाल किले से भारत का झंडा हटाने की बात को रिपोर्ट किया है, वो भी पूरी तरह से झूठ है। NBDSA ने जी न्यूज को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द उन फेक वीडियोस को चैनल से हटाए। जी न्यूज की गलत रिपोर्टिंग का पर्दाफाश होते ही देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग NBDSA के आदेश पर जी न्यूज पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। श्यामकांत नाम के यूजर ने लिखा, बस इतना ही, क्या इनके ऊपर कोई गुनाह नहीं रजिस्टर किया जाएगा? यहाँ तो छोटी मोटी बातों पे देशद्रोह की धाराएं लगा दी जाती है। मुख्तार प्रतापगढ़ी नाम के यूजर ने लिखा, इस पे UAPA नहीं लगेगा, हाँ क्योंकि उर्दू नाम वाला नहीं है। टैकी नाम के एक यूजर ने लिखा, फिर उनके अगले गुनाह जो वो आगे करेंगे वो भी माफ। अमोद राय नाम के यूजर ने लिखा, बस इतना कैसे काफी हो सकता है कि गलत वीडियो बनाकर खबरें दिखा रहे हो, उसको हटा लो। ये जानबूझकर घृणा और नफरत फैलाई गई है ताकि समाज में वैमनस्य फैले और सत्ता अपने फायदे के लिए ध्रुवीकरण कर सके। चैनल को कुछ दिन बंद और संपादक को जेल होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहे।